सरोकार। हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में आग लगी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रिंस मार्केट की चौथी मंजिल पर आग लगी। सूचना पाकर मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आग बुझाने की कड़ी मशक्कत में लगे हुए हैं दमकल कर्मी। हजरतगंज थाना क्षेत्र के साहू सिनेमा के पीछे की घटना। सीधे आपको हजरतगंज के प्रिंस मार्केट ले चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता विवेक शाही मौजूद हैं। विवेक, हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में आग लगी है, क्या कुछ पूरा मामला है? कैसी आग लगी, किसकी लापरवाही सामने आई है? विवेक, हजरतगंज के प्रिंस मार्केट में आग लगी है, क्या कुछ पूरा मामला है? किसकी लापरवाही आई है? कैसे आग लगी? हम इस समय हजरतगंज थाना क्षेत्र के साहू सिनेमा के पीछे जो है खड़े हुए हैं। मैं अपने तरीके से कहूंगा कि इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से दिखाए। इस बिल्डिंग को देखते ही पता चलता है कि काफी ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है, जो की सदर हाट में दिख रही है। इसके चौथे मंजिल पे एक आरओ की कंपनी थी, जिससे आग लगने की बात सामने आई है। आरओ की कंपनी थी, चौथे मंजिल पे बिल्डिंग है, वहां पे आग लगी है। पहले मंजिल पे एक कोचिंग संस्थान है, तो यहाँ पे चलता है, पीछे उसका बोर्ड भी लगा हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि ये बोर्ड को दिखाए। कोचिंग संस्थान ही चलती है, ये पहले मंजिल पे चलती है, और आग जो लगी है ये चौथे मंजिल पे जो है लगी हुई है। जो आरओ का एक कंपनी है, वहाँ पे आरओ का काम होता था, जहाँ पे आग लगने की खबर आई है। मौके पे ही जो है यहाँ पे दमकल की टीम में, मैं आपको दिखाऊंगा कि फायर ब्रिगेड की टीम के साथ दमकल की टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है। और मैं बताना चाहता हूँ, मयूरी की देवाना अग्निकांड के बाद, इतने बड़े हादसे के बाद लखनऊ में ऐसे जो है हादसे जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी है, और यहाँ पे ऐसे हादसों का होना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी किसी की भी हताहत होने की खबर जो है अभी तक नहीं आई है, ना ही वहाँ पे कोई फंसा हुआ है। दमकल कर्मी मौके पे पहुंचकर जो है आग पे नियंत्रण पाने का पूरी कोशिश कर रहे हैं, आग पे काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे आग लगी हुई, ये तो 3 महीने 4 महीने पहले ही सील किया जाना था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो है इसे सील नहीं किया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि लेन देन वाला मामला लेके इसे रफा दफा कर दिया गया। 3 से 4 महीने पहले जो सील होने की बात हुई थी, कार्रवाई हो रही थी, लेकिन ये बिल्डिंग जो है सील नहीं की गई, और बिना एनओसी के ये बिल्डिंग जो है फिर से चलने लगी है। और एक काफी पुरानी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जर्नल भारत में ये बिल्डिंग है, जो बिना एनओसी के भी चल रही थी। और निवाना अग्निकांड के बाद जो है ये घटनाएं जो है दिन पर दिन जो है बढ़ती ही जा रही है। अधिकारी जो है लापरवाह होते दिख रहे हैं इस पूरे पूरे मामले पे, क्योंकि ऐसी घटनाएं लखनऊ में राजधानी में बढ़ती चली जा रही है। मयूरी, विवेक, बिल्डिंग में कई कोचिंग चल रही थी, सूचना मिल रही थी कई बच्चे फंसे हुए, क्या उन सभी बच्चों को निकाल लिया गया है या अभी भी फंसे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? मयूरी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्डिंग का जो पहला मंजिल है वहाँ पे कोचिंग संस्थाएं चलती है, और ये मंजिल जो है चौथी मंजिल, ये आज जो है वो चौथी मंजिल पे लगी हुई है। चौथी मंजिल पे एक आरओ की कंपनी है, जो अब आरओ का काम करती है, वहाँ पे आग लगी हुई है। अभी किसी भी आदमी के हताहत होने और फंसने की खबर हमारे पास नहीं आई है। और दमकल कर्मी जो है अभी भी आग पे काबू पाने का काम कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि सभी सभी को दिखाए, यहाँ पे जो दमकल कर्मी है, जो फायर ब्रिगेड की जो कोशिश लगी है, वह सभी जो है काबू पाने का कार्य कर रही है। पुलिस भी मौके पे यहाँ पे पहुंच चुकी है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि पूरी बिल्डिंग को एक बार फिर से दिखाए कि किस तरह की सारी बिल्डिंग जो है पहले से ही जर्जर अवस्था में है, जो कि सील होनी थी 3 से 4 महीने पहले, लेकिन उसे फिर से रेवन्यू कर दिया गया बिना किसी फिटनेस और एनओसी के द्वारा, फिर से रेवन्यू कर दिया गया, जिसके बाद ये बड़ी घटना जो है यहाँ पे जो है सामने आई है।
विवेक, आप घटना स्थल पर मौजूद हैं, कैसे आग लगी, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है? मयूर की ये अब तक ये जो आग लगी है, इस संभवतः जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की संभावना बताई जा रही है। हालांकि अभी इसका अभी तक पुख्ता कोई प्रमाण अभी तक मिला नहीं है, लेकिन आग की संभावना जताई जा रही है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की आग है। धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप